नियरली अपना सब कुछ रेडी हो गया, बैग वगैरह लगेज वगैरह। और ये क्या एयरलाइंस में पूछा है, मांगा है, वो आपको बताते हैं। चलो फिर पहले सिक्योरिटी करते हैं। अगर आप जा रहे हो भाई इंटरनेशनल, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको सस्ती दारू मिल जाती है जो कि ड्यूटी फ्री है। मम्मी और डैडी को नहीं पता, उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ, बट उनको यह कि मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ मैं। तो लो जी, वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। किसी भी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, तो क्या कुछ चेक करते हैं? देखो भाई, मेन चीज जी, हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो, दिस इज सचिन। और जो आज की वीडियो है भाई, देखो बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली जा रहे हैं भाई इंडिया, जो लास्ट टाइम आपको बोला था ट्रिप के बारे में। और अभी सुबह के 5:15 बजे और अपनी जो फ्लाइट है वो है 9 बजे, तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे नियरली 3 आवर्स बिफोर द रूल की। अगर आप एयरपोर्ट पे जाना है, आपने इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको 3 घंटे पहले जाना है। ये सारा रेडी हो गया और वो कहाँ पे आ रहा है भाई अपना छोटा सचिन, नए कपड़े पर रह गई भाई, इसको सलाह दिया था ताकि ना ज़्यादा टाइम ना लगे जब हम पैकिंग वगैरह कर लें। तो नियरली एवरीथिंग इज डन, पैकिंग हो गई है भाई अपनी। चलो बेटा उठ जाओ, चलो बेटा दिल्ली नहीं जाना। नियरली अपना सब कुछ रेडी हो गया, बैग वगैरह लगेज वगैरह। और ये सिर्फ दिक्कत कर रहा है हमको इस टाइम, ये कह रही नींद में सोया हुआ है भाई इस टाइम में। कहाँ भी सो रहे भाव नो। फाइनली रायन भी उठ गया। चलो बेटा बैग संभालो अपना, निकलो। एक रायन का है भाई, 3-4 अपने रखे हुए हैं नीचे भाई। उसको पता नहीं था कि हम जा रहे हैं दिल्ली भाई, 3-4 दिन में बैग यहीं पे रखे हुए थे लगेज, और आज गए हैं भाई नीचे। तो रायन को थोड़ा सरप्राइज हो गया भाई, नीचे क्यों रख दिया वो? बेटा दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं। हिंदी खत्म हो गया भाई। वो देखो अपना लगेज रखे है, उनको निकाल के अब रखना हमने सीधा गाड़ी में बाहर। चलो बेटा रायन रेडी है बैग उठाने के लिए, और अपने सारे बैग रेडी है। तो भावना एक्साइटेड हो? तो भाई मेन जो चीज़ आप है भाई RT-PCR टेस्ट, और जो अपना फॉर्म वगैरह एयर सुविधा भरते हैं जब हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, डबलिन से फिर यूरोप से कहीं से भी, वो देखना हमने काउंटर पे जाके एयरपोर्ट डबलिन। चलो फिर लेट्स फाइंड आउट। रायन रुक जा बेटा, चलो बैग भी लेके चलो। तो आ गया भाई की गाड़ी, और फिर चलिए। टाटा रायन, बाय। बैग ही बैग हो गया भाई, रायन के पास जगह नहीं रही बैठने के। तो मैंने पासपोर्ट वाला बैग ले लिया भावना। हाँ जी, मैं दे चेक कर लूँ एक बार। पीछे भी लगेज वगैरह और सारे हैं ना। हाँ। चलो ये मेन चीज है, ले लिया अपने ट्रॉली और अपने बैग, बहुत ज्यादा है। थैंक यू यार रवि भाई। ओके भाई, ये रहा अपना डबलिन टर्मिनल 1। चलो फिर चलिए। हाँ बेटा, बेटा जहाज उठा लेगा इतना सारा वजन। तो यानी भाई ये आ गया अपना टर्मिनल 1, निकलते हैं अपना अंदर। ये अपना अराइवल, सामने जाना है डिपार्चर पे। चलो भाई अब भी है ये अपना डिपार्चर, और डिपार्चर पे यहाँ पे अपना है 6 नंबर, वो सामने लग रहा है। तो इतना रश नहीं है, एनीवे हम आ गए 3 घंटे पहले। ये है भाई अपना जो लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने करना है भाई बैग ड्रॉप। चलो फिर, तो लो जी ये लगी हुई है अपना बैगेज ड्रॉपेज के लिए क्यू, और साथ में हमने ले लिया भाई अपना एयर सुविधा का फॉर्म और अपना पासपोर्ट, OCI कार्ड, और एक हमने हाँ वैक्सीनेशन सर्ट भी ले लिया भाई साथ में ना। होपफुली हो इससे ज़्यादा और कुछ ना मांगेंगे वो। तो भाई सब कुछ हो गया एनीवे, राय ने पुश भी कर देना। अब मार बेटा दोबारा से करो, दोबारा से मारो। तो एनीवे भाई इन्होंने सिर्फ एयर सुविधा ही पूछा यहाँ पे। एनीवे इन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया, और रायन निकल गया भाई अपना बैग लेके, और हमने जाना है अब सिक्योरिटी करने के लिए। वो लास्ट में रहा अपना डिपार्चर गेट, वहाँ पे जाना है हमने, और वहाँ उसके बाद सीधा सिक्योरिटी करने के बाद। क्या एयरलाइंस में पूछा है, मांगा है, वो आपको बताते हैं। चलो फिर पहले सिक्योरिटी करते हैं। US सिक्योरिटी के लिए लाइन है। एनीवे इतना ज्यादा रश नहीं आज डबलिन एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी, सुबह के टाइम भाई अपनी हो गई है सिक्योरिटी। अब चलते हैं अपना सीधा बोर्डिंग गेट पे। बेटा 1 यूरो का एक ही मिलेगा? नहीं बस भाई, ये अपना फ्री का पानी नहीं है, एक 1 यूरो का भाई उठा लो अपना। जो यहाँ पे भाई सिक्योरिटी होती है सबसे बोरिंग, सबसे बेकार, क्योंकि ना आपको सारे कपड़े आई मीन लाइक जैकेट्स वगैरह निकालने पड़ती है, उसके बाद दोबारा से सारा सामान पैक करने में। अगर आप बेबी के साथ हो भाई, इसको 20 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं। जाने से पहले इस ठेके के अंदर जरूर बढ़ना पड़ता है, कुछ ले लेते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि अगर आप जा रहे हो भाई इंटरनेशनल, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको सस्ती दारू मिल जाती है जो कि ड्यूटी फ्री है। रायन कौन सी लेनी बेटा? भाई इसको भी पता है, अभी उंगली कर रहा है। बेटा कू नहीं है ये, पापा का कू है। रायन को भाई प्लेन दिखाते हैं आज ना, प्लेन देखेगा बेटा। मेन चीज है जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां तक हमने रायन को संभालना है भाई। और एनीवे जब दिल्ली जाएंगे तो इंडिया जाएंगे, तो भाई रायन को हम फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं। एनीवे सेकंड टाइम ही जा रहा है, बट पहले जब ये गया था तो भाई ये 1 साल का था, अभी 2 साल का हो गया, इसको थोड़ी समझ हो गई है। तो एनीवे सो एक्साइटेड कि रायन का रिएक्शंस देखने के लिए विद फैमिली।
एनीवे भाई ये एक सरप्राइज ट्रिप है, मम्मी और डैडी को नहीं पता, उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ बट उनको यह कि मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ मैं, तो उनके लिए ये सरप्राइज है। मेरे भाई को पता है, आई एम सो एक्साइटेड, राइन भी साथ में होएगा उस टाइम। ओ बेटा नहीं, उधर लाइन में चलना है जाके ना सीधा। तो भाई बोर्डिंग हो गया शुरू और अपना वो प्लेन सामने खड़ा हुआ है एहतियात। रायन बड़ी हेल्प कर रहा है भाई आज ना, वो साफ भी कर रहा है, उसका ना टायर ना खराब हो गया। चलो बेटा भाई अपना प्लेन एनीवे, रायन भाई अब तक ना हेल्प कर रहा है बिल्कुल। एनीवे हमने अपनी 45 सी एनीवे विंडो सीट अपनी वहीं पे जाके बैठना है। चलो बेटा चलो 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 चलो, वेरी गुड। चलो बस बेटा आ गया, 45 आ गया सामने। तो बेटा रायन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लेन का? वाव का भाई, अच्छा है। एनीवे ना ये रही अपनी फ्लाइट, उन्होंने एनीवे रायन के लिए दे दिया भाई ये किट, होपफुली ये इससे खेलता रहेगा। और साथ में भाई उन्होंने ना मास्क वगैरह दे दिया जैसे ना, तो एक छोटी सी किट दी है जिसके अंदर भाई अपना फेस मास्क वगैरह और हाथ वो साफ करने के लिए है। तो भाई ये लग गया अपना कार्रवाई पे। भाई सब्जी प्याज और परौंठा तो सही है, ये पिज्जा कहाँ? चलो जी अपना फूड हो गया, करी वगैरह, ब्रेड वगैरह और साथ में सैलेड है, और साथ में भाई कपिल शर्मा का शो लग रहा है। चलो भैया नहीं भाई दुबई आ गए हैं और यहाँ से अबू धाबी से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट, और रायन फिर से भाई अपनी पूरी हेल्प कर रहा है। तो भाई यानी भाई पता नहीं कैसे बीच में से बच बच के आ रहा है बंदा ना, और जहाँ से भाई प्लेन लैंड हुआ था ना वहीं से लेके सामने भाई डिपार्चर गेट आ गया अपना, वहीं तक ये बंदा ही हेल्प कर रहा है अपनी। और बेटा वापस थोड़ा ना जाना, अब डबलिन दिल्ली जाना, उधर है दिल्ली। हाँ इधर तो डबलिन है बेटा, पीछे दिल्ली उधर है बेटा। चलो आ जाओ। तो लो जी अपना फाइनल बोर्डिंग, और इसके बाद सीधा मिलते हैं अपना दिल्ली एयरपोर्ट। तो लो जी वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। ये आ गया जो अपना अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और सामने लगी हुई भाई क्यू, और ये लो जी इमिग्रेशन। तो लो जी फाइनली ये है भाई अपने पीछे दिल्ली की इमिग्रेशन, और रायन को देखो भाई ये सारे रास्ता ऐसे ही आया भाई तंग करता हुआ। एनीवे यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं लगी हुई है। तो भाई लास्ट वाला बैग भी अपना आ गया। हाँ ये अपना ही है, वो आ जाऊ। थैंक यू भैया, किसी और का तो नहीं उठा लिया? नहीं अपनी है अभी तो। हाँ अपनी है, रायन ने पहचान लिया भाई। लो जी ये अपना दिल्ली एयरपोर्ट अराइवल, वहाँ से हम आया भाई, अपना बैग वगैरह रखा हुआ यहाँ पे, और इस टाइम हो रही है भाई की वेट वो अभी लेने के लिए आने वाला है। एनीवे दोस्त आ रहा है गाँव से, क्योंकि फैमिली को पता नहीं है, भाई को पता है सिर्फ। और हाँ जब आप आ रहे हो डबलिन एयरपोर्ट से या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, तो क्या कुछ चेक करते हैं? देखो भाई मेन चीज़, किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो तो मेन चीज़ वो आपके देखते हैं वो है भाई एयर सुविधा फॉर्म आपने फिल कर लेना, दैट्स इट। आपके पास वीज़ा है एंड लाइक OCI कार्ड वगैरह है वो सब कुछ ओके है, बट एयर सुविधा जरूर बना, प्रिंट आउट कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो सॉफ्ट कॉपी भी चल जाती है। एनीवे भाई गर्मी बहुत है इस टाइम इंडिया में, तो एनीवे भाई का वेटर भाई सो एक्साइटेड सी द फैमिली, और रायन का जो रिएक्शन होगा फैमिली का रिएक्शन होगा वो भी चेक करना है। भाई बैठ गया अपना गाड़ी में और ऑन द वे टू हाउस। तो भाई कैसी रही जर्नी रायन के साथ? भाई बच्चा बड़ा तंग करता है नहीं, अभी वो सो गया है तो नहीं पहुंच जाना अभी 3 to 4 hours में अपने घर पे। चलो फिर ट्रक हो रहा है रिवर्स और काफी टाइम लगा दिया है, नहीं बकरी भी परेशान हो गई है भाई बैठे बैठे ना टेम्पो में। रन बेटा रेडियो एनीवे रह गया भाई 10 minutes पहुंचते हैं घर पे। चलो भाई ये आ गया अपना घर। ना पिंड दिल चो निकलदा पावे पिंड चो निकलिया मैं छड़ यार प्यारियां नू मौजा चो निकलिया मैं ना पिंड आज माजी का ना भाई रन यार रन अभी उल्टी करी गाड़ी में ना पानी पी रहा था इसना पंखा देख रहा है ना ऊपर, क्योंकि लाइट देख रहा और पंखा, क्योंकि वहां देखने को मिल रहा। रायन बड़ा हो गया मम्मी, लास्ट टाइम आया था 6 महीने बाद, नहीं बड़ा हो गया भाई रायन ना, लेकिन ना
थोड़ा उदास सा लग रहा है, बाल बड़े हो गए। इसमें सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, यही बैग निकल रहा है। चलो ठीक है, इस तरह वापस ले जाएंगे जिस तरह लेकर आए ना, माँ भी तो खोल लोगे। Anyway, अच्छा ही लगता है यार घर पे आके मम्मी डैडी से मिलके, भाई भाभी से मिलके। और रायन का रिएक्शन भाई यही है कि यहाँ पे आके उसको तो पता नहीं लग रहा क्यों रहा क्या नहीं। तो एनीवे, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर। तो जी बॉक्स अनबॉक्सिंग हुई है भाई भाभी जी के लिए, गिफ्ट भावना लेके आई है और रायन के लिए भाई गिफ्ट दिया है अथर्व ने, रायन के भाई ने। मम्मा वाओ, पापा देख कितना सोना लग रहा।